हाय गाइस, वेलकम टू वॉइसी क्रिएटिव कैप्चर चैनल। सो आज मैं किसी वीडियो का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, आज मैं एक व्लॉगिंग करने वाला हूँ बेसिकली इस सीरीज के अंदर। सो आई एम प्लानिंग टू गो, आई नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू गो, आई एम गोइंग टू मालदीव। सो फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग सम व्लॉग्स और आज से स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज के अंदर आपको 5 to 6 वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर डे वाइज मालदीव के बारे में बताऊंगा मैं एक्सप्लोर करके, प्लस एंड यू विल गेट टू नो कि मालदीव के लिए जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर, व्हाट फूड यू रिक्वायर, मतलब बेसिकली जितनी भी मेरी रिसर्च है इस ट्रिप के ऊपर वो सारा मैं शेयर करने वाला हूँ। सो दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर। और अभी मेरी फ्लाइट है, आई एम प्लानिंग फ्रॉम दिल्ली टू मालदीव्स, एज एवरीबडी नोज दैट आई एम लिविंग इन दिल्ली। सो वेट फॉर द माई वीडियोज इसके ऊपर मैं आपको व्हाट्स, प्लीज वेट फॉर दिस सीरीज और इट विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल। तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, सो मेरी फ्लाइट है अराउंड 6 AM, सो जल्दी से भागते हैं। Hi guys, so finally I reached to the Maldives, basically Maldives. तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं जैसे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा सर्कल ले लेता हूँ। टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है यहाँ पे कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली यू हैव
प्रॉब्ली 16 or 15 degree, और हेयर यू हैव 29 degree. सो सबसे बड़ा डिफरेंस सबसे पहले जो मुझे लगा वो है टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर इज़ ए डिफरेंस. ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें यहाँ से होटल कैसे जाना है, जो होटल बुक किया है. सो आई ऑलरेडी बुक वन बेसिकली स्पीड बोट विच इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड $20 फ्रॉम हेयर टू योर होटल. सो आई ऑलरेडी बुक दैट. नाउ लेट सी वेयर इट इज़ देयर. सो बेसिकली मैं एग्जिट कर चुका हूँ एयरपोर्ट से. इमिग्रेशन वॉज स्मूथ एंड एवरी थिंग वॉज स्मूथ, सो नो सच चैलेंज. एंड मैं आपको थोड़ा सा काउंटर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे काउंटर्स कैसे बने हुए हैं फेरी के लिए, या फिर बोल सकते हो आप अपने स्पीड बोट के लिए. सो बेसिकली फ्रॉम हेयर यू कैन टेक 3 paths. वन इज़ द सी प्लेन, सेकेंड इज़ द स्पीड बोट, एंड द थर्ड इज़ द फेरी. फेरी कॉस्ट यू $2 एंड स्पीड बोट कॉस्ट यू $20 एंड सी प्लेन नो आइडिया. सो इट विल कॉस्ट यू मोर देन $100 ईजीली. तो इस तरह से काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप. तो इस तरीके से काउंटर बने हुए हैं. इन काउंटर्स पे जाके आपको चेक करना है कि कैसे आपको जाना है यहाँ से. ओके, चलिए. ये है यहाँ से आप सिम खरीद सकते हैं. ये 2 ISP हैं बेसिकली. ये प्लान आप देख सकते हो, 17 GB $30, $30 GB $50. ये प्लान है बेसिकली. तो आप अगर आप सिम खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. उसका रीज़न ये कि अगर आप इट्स लुक लाइक व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट, जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो ये नज़ारा मिलेगा आपको. आप थोड़ा और पास लेके चलता हूँ. नेशनल फ्लैग ऑफ मालदीव. बेसिकली यहाँ से शिप जाती हैं, शिप और सी प्लेन. सो ओनली 2 things गोइंग फ्रॉम हेयर. अभी आप देख सकते हैं. तो यहाँ से जाने का तरीका, स्पीड बोट, हमने स्पीड बोट की है तो 4:30 है स्पीड बोट, तो टाइम लगेगा उसमें. तो आई हैड टाइम, सो आई थॉट हैड टू कवर दैट. सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक व्हेन यू एग्जिट इन द मालदीव.
east to our island. Finally, so we are going in now towards our resort. This is how it looks like. माफुशी आइलैंड, तो माफुशी आइलैंड पे जिस जगह का नाम पे जहाँ पर मैं आया हूँ और वो उस जगह का नाम है कानी पाम बीच. सो दिस इज़ द नेम एग्जैक्टली जहाँ पर मैं स्टे करने आया हूँ अभी. तो यहाँ पे भी स्टे करूँगा एंड देन फ्रॉम हेयर आई विल होप ऑन अनदर आइलैंड एंड वो मैं आपको बाद में बताऊँगा. तो अभी यहाँ का देखते हैं यहाँ कैसा है. So this is so far outstanding area. You can see that. ये एक basically छोटा सा island है माफुशी. यहीं पे अभी हम रुक रहे हैं. You can see that. The markets. This is for the sports water activity. Some restaurants. And this is for the water activities area and you can see a lot of activities already going on. Isn't amazing? जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो है ये कानी पाम बीच. और यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इस आइलैंड पे. दिस इज द रूम. विंडोज, सेफ, फ्रिज, बेड, टीवी एंड फ्रॉम हेयर दिस व्यू. लोकल मार्केट है नीचे यहाँ पे बिकॉज ये आइलैंड है. दिस इज हाउ दिस रूम लुक लाइक. सो ये see.
बस सोचा कि एक शॉट ले लेता हूँ रात में दिखाने के लिए कि नाइट लाइफ कैसी है यहाँ पे, और स्पेशली ऑन दिस आइलैंड कि यहाँ पे कैसा माहौल रहता है रात में। तो कुछ जैसे अभी रात हो रही है, अभी आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा अलग ही माहौल है यहाँ पर। नाइट में आप लोग ऐसे बीच के पास में ऐसे एंजॉय करो, पर लाइक रिलैक्स लाइफ लाइक दिस, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यहाँ पे रुके हैं, वहाँ पे आज एक बैंड आया हुआ है, तो